गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। जो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पता होना चाहिए कि जीनोम्स क्या होते हैं। अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जो जीवों की बॉडी है और बॉडी के जो प्रत्येक सेल्स में हैं, सेल्स में जो पाए जाने वाले जीन्स के एक कॉम्प्लिकेटेड जो सम्मिलित रूप होता है ना उनका, उसे हम कहते हैं जीनोम, वो बनाते हैं जीनोम। एंड और जो मनुष्य है, ह्यूमन है, ह्यूमन की प्रत्येक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम्स में लगभग 30,000 जीन्स होते हैं जो ह्यूमन जीनोम को शो करते हैं। और किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन सभी एनिमल्स के जीनोम को मिलाकर एक जीन पूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीन पूल बनाते हैं। जैसा बात चल रही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। यह क्या है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे देश जो हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA के साथ कर रहे हैं, जो मिलके काम कर रहे हैं और जिनका मेन जो ऑब्जेक्ट है जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड वर्क का एक्सप्लेनेशन प्राप्त करना है, ये उसके बारे में बताना है। अब जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स में पाए जाते हैं 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस को डिफाइन करता है। और इस प्रोजेक्ट को जो कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कंसोर्टियम भी कहते हैं। और इसका कार्य के इसके वर्क के जो वो रहता है मनुष्य के क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले प्रत्येक जीन्स का फंक्शन पता करके एक कंप्लीट एनिमल्स के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि जो ईच एंड एवरी जीन्स के बारे में पता करके और उनके फंक्शन के बारे में पता करके किसी भी एनिमल्स के बारे में पता किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाय 13 ईयर्स प्रोजेक्ट दैट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1990 इन कम्प्लीटेड इन 2003। इट्स एम वॉज फाइंड आउट द कम्प्लीट DNA सिक्वेंस टू ह्यूमन जीनोम। द प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसे हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन अदर वर्ड जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल लाइक द DNA सिक्वेंस, इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन DNA सिक्वेंस शुड ऑल्सो भी डिफर एट लास्ट सम प्लेसेज। दीज एक्सम्पशन लेड द क्विस्ट फाइंडिंग द कम्प्लीट DNA सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम विद द एस्टेब्लिश द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वेयर इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट द क्लोन एनी पीस ऑफ DNA एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग DNA सिक्वेंस। ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वॉज लॉन्च इन द ईयर 1990 में हुआ था 1990 में। अब क्या रहता है इसमें, इसकी जो स्पेशल फीचर्स क्या हैं, इस प्रोजेक्ट के जो स्पेशल फीचर्स क्या हैं, इस प्रोजेक्ट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3×10^9 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस को डिफाइन किया और उनके विभिन्न इनके जो डिफरेंट जीन्स थे और क्रोमोसोम्स में सम जो रिलेशन था उसको फाइंड आउट किया और विभिन्न जो जीन्स है डिफरेंट जीन्स एंड जो उनकी फिजिकल कैरेक्टर थे उनमें जो आपस में रिलेशन था उसकी स्टडी की और सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनको एक जगह एकत्र करके मतलब कि सेव करके और उनको सरलता से
डिफाइन कर दिया एंड और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में $9 बिलियन खर्च हुए थे। अब बात चलती है, अब बात करते हैं हम गोल्स ऑफ HGP ह्यूमन जीवन प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड ऑल एक्सपेरिमेंटरी 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल वेस्ट पेयर दैट मेकअप ह्यूमन DNA स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस इम्प्रूव द टूल एंड डाटा एनालिसिस ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशूज दैट मे अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आता है तो ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट बाद 13 ईयर्स प्रोजेक्ट जो मैंने बताया था अभी US डिपार्टमेंट एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स HGP वेलकम ट्रस्ट UK बिकम मेजर पार्टनर एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम द जापान फ्रांस जर्मनी चाइना एंड अदर। दिस प्रोजेक्ट बाद कंप्लीट जो हुआ था 2003 में हुआ था। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट DNA वेरिएशन अमोंग द इंडिविजुअल कैन लीड द रिवोल्यूशनरी न्यू वे डायग्नोस ट्रीट सम डे प्रिवेंट द थाउजेंड्स डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग बिसाइड प्रोवाइडिंग द क्लूज एंड अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बायोलॉजी लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। इसका जो बेसिकली था इसमें जो जीन DNA के सिक्वेंस के बारे में जो होता है जो ह्यूमन्स का DNA इट बाय द एम टू फाइंड आउट द कंप्लीट DNA सिक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम मतलब कि जो ह्यूमन्स है उनके DNA का कंप्लीट सिक्वेंस का फाइंड आउट करना है और उसमें जो जीन्स पाए जाते हैं उनके क्या वर्किंग है क्या फंक्शन है उसके बारे में आइडेंटिफाई करना। एंड देन हम बात करते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग। अब DNA फिंगर प्रिंटिंग होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निक ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग बाय डेवलप बाय डॉक्टर एलेक जेफरीज इन एन एसेंट फाइंड आउट द मार्कर्स फॉर इनहेरिटेड डिजीज द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक सोर्स न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स कॉल वेरिएबल नंबर्स टैंडम रिपीट्स दैट वेरी इन द नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर इनहेरिटेड द बेंटर्स ऑफ टू पर्सन्स मे बी ऑफ सेम लेंथ एंड सिक्वेंस एट सर्टेन साइट बट वेरी फ्रॉम द अदर्स एट स्टेटेड दैट प्रीसीडिंग द सेक्शन 99% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज द सेम एजेप्शन ह्यूमन जीनोम 3 to power 10 to power 9 इन हाउ मैनी जो जीनोम का सीक्वेंस था मैनी बेस सीक्वेंस वुड देर बी डिफरेंस इट डिफरेंस सीक्वेंस DNA विच मेक एवरी इंडिविजुअल्स यूनिक इन देयर phenotypic appearance if one aim to find out the genetic difference between two individuals or among the individuals of a population. Sequencing the DNA every time would be daunting and expensive task. Imagine trying to compare two sets of 3 to 3 × 10^6 base pair DNA finger printing. अब कह रहता है DNA फिंगर प्रिंटिंग में देखो अलग अलग जो मनुष्य होते हैं अलग 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 पर्सन में जो DNA की जो सिक्वेंसिंग होती है उनमें डिफरेंस पाया जाता है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ DNA जो क्या आता है कि सभी पीपल्स में 99% DNA का जो सिक्वेंसिंग होती है समान होती है केवल 0.1% न्यूक्लियोट बेस सिक्वेंस में चेंजेस पाया जाता है और जिनकी संख्या 3 × 10^6 BP बनती है और ये डिफरेंस जो है दोनों न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों को जो रहता है रिपीटेटिव सीक्वेंस में पाए जाते हैं और DNA फिंगर प्रिंटिंग केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस में विभिन्नताओं पर आधारित होती है। और मैकेनिज्म क्या होती है DNA फिंगर प्रिंटिंग की DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है एक बहुत ही संवेदनशील लोकप्रिय टेक्निक है
जिसके द्वारा हम रेप, हत्या या जो भी जितने भी वो रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं। इस तकनीक में क्या आता है कि किसी की जब किसी को मार दिया जाता है या कोई दुर्घटना हो जाए या कोई भी टेरर की पहचान करने के लिए उनके खून के दब हो या उनके डीएनए का आइसोलेट करके उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अंतर क्या होता है, मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, इनमें क्या है आरएफएलपीएन पीसीआर द्वारा, पीसीआर टेक्निक द्वारा इसका आइडेंटिफाई डीएनए के अनुक्रमों को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब क्या रहता है इसमें वेरिएबल्स, इसमें मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी वेरिएंट्स रिपीट्स में बहुत में अध्ययन करते हैं और सिक्वेंसिंग ऑफ वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स BNTR कहते हैं जिसे हम। ठीक है, और RFLP जिसे बोला ना PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चैन, ये PCR को बोलते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जो हम जो नेक्स्ट जो आगे फर्दर चैप्टर आएगा उसमें बायोटेक्नोलॉजी में हम PCR टेक्निक्स भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है प्रोब हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड होती है। इसमें क्या रहता है मल्टीओकस पॉलीमॉर्फिज्म तथा सिंगल लोकस पॉलीमॉर्फिज्म का स्टडी की जाती है और इसमें जो एनालिसिस की जाती है कि जीनोम के जीनोमिक जो डीएनए हैं जो हमारे ब्लड के धब्बे हैं या हमारे सीमेंस के निशान हैं बालों की जड़ों से क्या करते हैं आइसोलेट करके फिर से डीएनए प्रोब्स का हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है जिससे हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनमें क्या करते हैं डीएनए के छोटे छोटे कंडों को छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड भी कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का बिल क्या आता है जितने भी क्राइम्स होते हैं उनमें आइडेंटिफाई करने में या फिर किसी के जो पैतृक वो रहते हैं प्रॉब्लम्स रहती हैं उन्हें सुलझाने में आइडेंटिफाई करने में कि इसकी हेल्प ली जाती है। ओके, जैसे हम बताते हैं BNTR बिलोंगिंग। अब हम बात करते हैं देखो पेशेंट क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं एंड जो होता है क्रोमोसोम्स सेवंस रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है इसमें क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेस करते हैं जिसे डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। उसके बाद बेस से डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर देते हैं और नायलोन मेम्ब्रेन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के बाद जो यूवी रेज से क्या आते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट के मेम्ब्रेन को फिक्स कर देते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट को डीएनए प्रोब्स में हाइब्रिडाइज कर देते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स रहती हैं जिनका यूज किया जाता है, लिखा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लिएज, सेपरेटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस या सेंट्रीफ्यूगेशन से भी कर सकते हैं एंड देन ट्रांसफर ब्लोटिंग सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय सिंथेटिक।